घर में कोई भी काम करो मन में एक भजन चलना चाहिए क्या, जैसे यशोदा मैया के मन में चल रहा है। और अब जब मैया गीत गा रही है कृष्ण का, दही मंथन कृष्ण के लिए कर रही है, आज पहली बार जब भगवान आंगन में पधारे तो आज मैया से कहा, मैया आज मुझे माखन पाना है, आज मैया से खुद मांगा। जब हम समर्पण भाव से महाराज कोई कार्य परमात्मा के लिए करते हैं तो परमात्मा हमारा सहज ही उस भाव को स्वीकार कर लेता है। और समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, तो कितना ही भोग लगाओ भगवान स्वीकार। आज यशोदा मैया से भगवान कह रहे, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे मुझे माखन दे दीजिए। मैया ने कहा, भैया अभी माखन आने में थोड़ा समय है, माखन ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब। आपने कहीं ठाए, आजकल तो मशीन आ गई, चुटकी चल रहा है, जिसने माखन दही मंथन किया उसको पता है ना माता है। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव है, भगवान कृष्ण माखन मांग रहे हैं मैया से। मैया ने कहा, अभी समय लगेगा। भगवान ने जिद की, नहीं मुझे अभी चाहिए। मैया भगवान का ध्यान हटाने के लिए, मैया आंगन में थी, आंगन में चंद्रमा, शाम का समय था, चंद्रमा दिखाई दिया। मैया ने भगवान कृष्ण से कहा, देखो कन्हैया चंद्रमा कितना सुंदर है। हाँ मैया चंद्रमा बहुत सुंदर है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मैया तेरा माखन, आपका माखन नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे चंद्रमा लाकर दे दो आप, अब मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया कह रही है, चंद्रमा के तो दर्शन कर सकते हैं, चंद्रमा को कोई ला नहीं सकता, चंद्रमा के दर्शन कर लो। बोले, नहीं मुझे तो अभी चंद्रमा चाहिए। और जैसे मानो भगवान कृष्ण मैया से कह रहे हो, क्या चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, हठ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला। मैया चंद्रमा चाहिए, मैया कह रही से तो माखन नहीं ठीक था, थोड़ी देर बाद माखन आ तो जाता, पर चंद्रमा को ला सकता है क्या? तो मैया कह रही है, मैं चंद्रमा को नहीं ला सकती, ये अनहोनी, ये हो ही नहीं सकता। तो सूरदास जी मैया यशोदा से क्या कह रहे हैं, जननी की साड़ी के अंचल गही रोए श्याम, मैया मैं तो चांद लूं वचन उचारे हैं। भगवान रोने लगे, मैया मैं चांद लूं वचन उचारे हैं। और माँ कह रही है, भूतल पर चंद्रमा उतारनो ना खेले लाल, अनहोनी बात ना बस की हमारे है। कोई चंद्रमा उतार सकता है, ये तो अनहोनी है। तो सूरदास जी लिखते हैं, कहत सूरदास जननी तुम्हारी के, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं, धरती पर चंद्रमा उतारनो कठिन का, आपने धरती पर कृष्ण चंद्र उतारे हैं। माँ आपने परमात्मा को, विराट ब्रह्म को छोटा सा बालक बनाकर धरती पर प्रकट कर दिया, तो चंद्रमा उतारना कौन सी बड़ी बात है जी। बोले यशोदा मैया की। और संत जन कहते हैं, जब पुकारा, चंद्रमा चाहिए, मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए हो, मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए हो। मैया ने कहा, नहीं मिलेगा। बोले, जाऊं लोट धरनी पर, अब ही तेरी गोद ना आऊं, आज के बाद तेरी गोद में नहीं आऊंगा, धरती पे लौट जाऊंगा, कपड़े तेरे गंदे हो जाएंगे। मैया ने कहा, इतनी जीत क्यों कर रहा है? बोले, चंद्रमा, चंद्रमा क्यों चाहिए, बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए हूँ, जाऊं लोट धरनी पर, अब ही तेरी गोद ना आऊं, हो जाऊं पुत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहाऊं। मैया कहती है, चंद्र से भी सुंदर तेरे लिए नवल दुल्हनिया लाऊं, जितना सुंदर चंद्रमा है उससे भी अधिक सुंदर तेरे लिए दुल्हन लेके आएंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे, तेरी सौगंध मेरी सुन मैया, आज ही बिहाने जाऊं।